शादियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ न है मैं मैनू टो मेरे बेटे की तो जिंदगी समर जाएगी, कितनी मुबारक घड़ियां हैं ये। और आपने सोचा इन मुबारक घड़ियों को जितना जाया कर सकते हैं कर लें। जानता हूँ मैं तुम्हारी इस अकड़ी हुई गर्दन की वजह, तुम्हारे बेटे की तरक्की हो गई है ना, इसलिए तुम यूं मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही हो। Are you sure के मामा मेरे साथ ही रहेंगी? क्या चाहती हो? मैं कुछ वक्त इंडिपेंडेंटली गुजारना चाहती हूँ। वैसे आज वक्त का ख्याल रखना, कहीं देर ना हो जाए। Don't worry, मैं वहां टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तुम जाओगी कैसे? Obviously, मामा के साथ जाऊंगी, वो ड्राइवर को भेज देंगे कुछ देर में, फिर 5 बजे तक मैं और मामा चले जाएंगे पार्लर। मामा? हाँ बेटा बोलो। वो सानिया भी अपनी मम्मी के घर जा रही है, मैं भी कुछ काम से बाहर निकलूंगा अभी, आप यहाँ अकेले बोर ना हो जाए, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं अभी। बेटा मैं एक दो दिन गुजारने नहीं आई हूँ तुम्हारे पास। जानता हूँ आप यहाँ एक दो रोज के लिए नहीं रह सकते, इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी ड्रॉप कर देता हूँ। मैं अब यहीं रहूंगी। हमारे साथ? हाँ यहाँ तुम दोनों के साथ, तुम्हारी सारी उम्र मैं तुमसे दूर रही हूँ। एक खला है मेरे अंदर, एक खालीपन। जिंदगी ऐसे गुजरी है बेटा जैसे कोई बहुत जरूरी चीज मुझसे दूर रही हो। अब मैं जिंदगी के बाकी रह जाने वाले दिन इस खला को पूरा करने की अधूरी सी कोशिश करना चाहती हूँ। तुम्हारे करीब होने का एहसास चाहिए मुझे। तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा नन्ना हुज़ैफ़ा दोबारा मेरे पास आ गया। Excuse me. शाम के लिए बहुत तैयारियां करनी है। चलिए। पूछने लगी हैं आंखें। मेरा फैसला ठीक है ना? मैं यहाँ रहूंगी तुम्हारे पास तो तुम्हें खुशी होगी ना? तेरे मम्मा, मम्मा रुक जाओ, अब नहीं करूँगा जीत, अब नहीं करूँगा मम्मा जीत, नहीं करूँगा शायद, प्रॉमिस मम्मा रुक जाओ, मम्मा मम्मा। दिल मेरा तोड़ा का है ये बिछोड़ा का है, देखूं मैं तेरी राहें, ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो। बहुत अजीब खातून है, मेरी समझ में तो उनकी मंतक आई नहीं। जब हुज़ैफ़ा अकेला रह रहा था तब तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, और अब जब उसे माँ की नहीं बीवी बच्चों की जरूरत है तो ये कबाब में हड्डी बन के आ गई। मामा वो बहुत अच्छी है, सॉफ्ट नेचर की मालिक है, और केयरिंग होने में कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बात से बहुत अनीजी हो गई हूँ। ये तो होना ही था, मैं तो बहुत खुश थी कि हुज़ैफ़ा फैमिली की जिम्मेदारियों से आजाद है, उसका वक्त, उसका पैसा, उसकी मोहब्बत सब कुछ मेरी बेटी का होगा, कोई शेयर करने वाला नहीं होगा, मगर वो
बलाए जान बनकर अगली सुबह टपक पड़ी। सोचा तो मैंने भी यही था। ठीक है, वो उसकी माँ है, उससे मिलती रहे आती जाती रहे, लेकिन इस तरह से हर वक्त ही नजरों के सामने रहना, मामा मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इस बात का उन्हें खुद ख्याल करना चाहिए। नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, अगर माए अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन करेगा। चलो वलीमा हो जाने दो, फिर मैं खुद हुज़ैफ़ा से बात करूंगी। मामा आप क्या बात करेंगी, और इस मसले में पढ़ना आपका क्या मुनासिब है? क्यों मुनासिब नहीं है सानी, मैं माँ हूँ तुम्हारी। अगर मैं अपनी इकलौती औलाद के बगैर रह सकती हूँ तो उनका क्या प्रॉब्लम है। उन्हें चाहिए कि वो अपने शौहर और उनके बच्चों के पास जाकर रहें, मेरी बेटी की जिंदगी में मदाखलत ना करें। और फिर उस घर में उनकी जरूरत ही क्या है। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें, हो दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें। तुम तो बिल्कुल बिगाड़ दोगे इसको, थोड़ा तो डरा के रखा करो ना, कभी घोड़ा बन जाते हो, कभी ऊंट, कभी जहाज। क्या करें जनाब, क्योंकि इनकी वालदा साहिबा ने पहले बनाया हमें उल्लू, फिर उसके बाद गधा बना के घर की जिम्मेदारियों में लगा दिया, और आपके जो ये साहबजादे, इन्होंने घोड़ा और ऊंट बना के काम पे लगा दिया। वैसे एक बात बताऊं आपको, आप दोनों ने मुझे बाप बना के ऐसा कर दिया कि आई फील सो रिस्पेक्टेबल यार। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा रोक भी तो रखा करो ना इस पे, मुझसे तो वैसे ही नहीं डरता है, कम से कम तुमसे ही डरा करे। सॉरी यार, ना मैं इसे डांटूंगा ना कभी हाथ लगाऊंगा, प्यार प्यार से समझाएंगे, प्यार प्यार से बात करेंगे, फुल दोस्ती यारी का सीन होगा, ताकि जब ये बड़ा हो अपने दोस्तों में उठे बैठे तो एक ही बात करे कि माय फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड। है ना जी मौसूफ, इधर मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो, तो फीटर नजर आ रही है आपको, है खेले अब, चलो लो पानी पी लो भाई, पानी पी लो, पानी पी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है आपकी? शाम बता रहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। हुज़ैफ़ा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए आ सकते हो? अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा मैं, वैसे मैं रात की तकरीबात के लिए अभी बहुत कुछ करना है मुझे। जानता हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए ज़्यादा वक्त हो भी नहीं सकता, थोड़ी सी बात करनी है मुझे, दो टोक किस्म की। मैं समझा नहीं आपकी बात। समझा दूंगा, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने बेवकूफाना फैसले से आगाह कर दिया? कैसा फैसला? यही कि वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए तुम्हारे पास जाना चाहती है। इस फैसले के आधे हिस्से का तो जिक्र किया था उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको छोड़ना चाह रही है। दोनों में क्या फर्क है? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप बता सकते हैं या फिर मामा। देखो साहब, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हवाला दिए बगैर अपनी माँ को समझाओ कि वो इस घर में वापस आ जाए, इसलिए कि मेरे बच्चे माँ के साथ रहने के आदी हो चुके हैं। तुम कहोगे
तो वो मान जाएगी। और मैं क्यों समझाऊं? एक बार पहले आप लोग भी तो इसी तरह उन्हें मुझसे छीन चुके हैं। शायद अब आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि उस वक्त एक बच्चे की क्या फीलिंग्स थी। लेकिन नहीं, एक उम्र रसीदा इंसान एक 5 साला बच्चे की फीलिंग्स को क्या समझ सकता है? और आपकी बालिग बाशहूर औलाद, उसे भी क्या समझ एक बच्चे की फीलिंग्स के बारे में? खूब, तो इंतकाम का जज्बा जाग गया बिलाखिर। उस शख्स से इंतकाम का जिसने एक सितम रसीदा औरत को पनाह दी, एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा। वो बच्चा उस यतीम बच्चे के, जिसे सहारा ना मिलता तो दुनिया उसे खा जाती। मत देखो ऐसे मेरी तरफ, सोतेला ही सही, बाप हूं तुम्हारा, चाहे तुम मुझे दर्जा दो या ना दो। बाप? बाप कहते हैं आप अपने आप को मेरा? आप तो वो बाप हैं जिसने एक बच्चे से उसकी मां तक छीन ली। ऊपर वाले ने तो सिर्फ बाप छीना था मुझसे, आपने तो मां का प्यार भी छीन लिया मुझसे। याद है आपको, मेरे स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल सबके फॉर्म्स में पेरेंट्स के खाने की जगह आप हमेशा गार्डियंस के खाने पर टिक करते थे, और मैं अपनी आंखों से आपकी उंगलियों की तरफ देखता रहता था कि काश आप एक गार्डियन के खाने पर टिक करके प्यार की भीख देते मुझे। लेकिन कभी नहीं किया आपने ऐसा। जब मामा हम सबको खाना खिलाती थी तो सबसे पहला नवाला हशाम, फिर बीनेश, और सबसे आखिर में मेरी बारी आती थी। कभी गलती से भी उसने पहला निवाला मुझे नहीं खिलाया, क्योंकि आपकी नजरें मुझे खिलाने वाले हर निवाले को गिनती थी। और आज आप अपने आप को बाप कहते हैं मेरा। याद है आप, जब मेरे आंसू मेरी मामा के आंसुओं को पहचाने बगैर आपने हॉस्टल भेज दिया था मुझे, और कह दिया उनसे कि इसकी सारी पढ़ाई बोर्डिंग में ही होगी। कभी अपने बच्चों के बारे में तो यह ख्याल नहीं आया आपको, मैं ही क्यों? और आज एक बार फिर आप मुझसे मेरी मां छीन लेना चाहते हैं। सारे जख्म एक बार फिर आपने ताजा कर दिए। आज खुश जो था मैं, ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई ना आपसे। खुशी एक बार फिर रास नहीं आई मुझे, चलता हूं। ठहरो, तो तुम सभिया से वापस आने के लिए नहीं कहोगे? नहीं, कुदरत ने एक बार पहले सभिया से उसका शौहर छीना था, और आज दूसरी बार शौहर तुम उसे छीनोगे। याद रखना, अगर वो चंद दिनों में वापस ना आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। कुदरत ने एक बार पहले सबिया से उसका शौहर छीना था, और आज दूसरी बार शौहर तुम उसे छीनोगे। याद रखना, अगर वो चंद दिनों में वापस ना आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। तैयार नहीं हुई अभी तक? जैसा
मेरा ख्याल है मैं घर पे रहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आदत सी बन गई है, मेरी खुशियों को बर्बाद कर रही है। क्यों आप मुझसे अलग भागते हैं, मेरी सोच से अलग भागते हैं, क्यों? ठीक ही तो कह रहा हूँ, सारी जिंदगी आपने मुझसे ज्यादा दूसरों को प्रेफरेंस दी। बुझने लगी हैं आँखें, आपका मूड नहीं है, बिल्कुल बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। तुझसे जुड़ी हैं सांसें, हो मामा दिखाई नहीं दे रही। मामा आई थिंक नहीं आई भाई। ये हो नहीं सकता कि मामा हुसैफा के वली में पर रहा है। मुबारक हो। मामा कहाँ? मामा की नजर नहीं आ रही। वो भी नहीं है। लेकिन क्यों? पता नहीं, अपनी मर्जी की मालिक। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ उनकी तबीयत? नहीं, वो पिछले कुछ दिनों से काफी खराब थी, मेडिसिंस भी ले रही थी और वो घर पे ही भूल गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी उलझने थी। तुम्हें याद रहता भी कैसे? वो कौन सी तुम्हारी? बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें, हो। क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है अब तो। कब से झेल रही हैं आप ये तकलीफ? बेटा पहले तो तुम मुझसे वादा करो कि हुज़ैफ़ा या हशाम से कोई जिक्र नहीं करोगे। आपकी जो कंडीशन है उसका घर वालों को पूरा पूरा इल्म होना चाहिए। कभी भी और किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है आपको। आपको फौरन ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। और मैं ये सर्जरी नहीं करवाऊंगी। लेकिन क्यों? बेटा तुम हुज़ैफ़ा और हशाम दोनों के बहुत पुराने दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ना मुझे तो काफी अरसे से पता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। जो घड़ियां हैं उन्हें मैं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहती हूँ। उन्हें कोई तकलीफ कोई परेशानी दिए बगैर यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। हाँ इतनी मदद कर सकते हो तो मेरी के मुझे एक अच्छी सी प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, फिर जो दवाएं कहोगे मैं वादा करती हूँ बाकायदगी से लेती रहूंगी। सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा एक साल दो साल बल्कि इससे भी कम। चलो अच्छा है, इतना वक्त भी मिल जाए तो गनीमत है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम तो मैं कर ही चुकी हूँ, जो बाकी रह गए हैं वो भी कर लूंगी। लेकिन बेटा मुझसे वादा करो कि तुम हुज़ैफ़ा या हशाम से इसका कोई जिक्र नहीं करोगे। मुझसे अकेले में तुम यूं घुन्नी बनके मेरे पीछे पीछे मत रहा करो, हर बात में दखल मत दिया करो। मुलाजमा हो अपनी जगह पे रहो।
काश मैं आपसे दूर होता लेकिन आपका बेटा होता। शिकायत है तुम्हें मुझसे? खुदा की कसम रति पर शिकायत नहीं आपसे, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत है बस। सानिया बेटा तुम लोग हमारे साथ चल रही हो ना, वहाँ थोड़ी देर बैठ के गपशप लगा कर काफी शाफी पी कर फिर बेशक घर चले जाना। हाँ उज़ैफ़ा, हम लोग मामा और पापा के साथ ही चलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन मामा घर पर अकेली थी तो। अरे बेटा मामा अकेली हैं तो क्या हुआ, सानिया के जाने के बाद मैं भी तो अकेली हूँ, तुम्हारे अंकल तो अक्सर होते भी नहीं, और फिर इस उम्र में तो ये तन्हाई सहनी पड़ती है, अब उम्रें जो ऐसी हैं, फॉरगेट इट बेटा। डोंट आर्ग्यू बेटा, बस तुम्हें हमारी तरफ चलना है, ठीक है ना? खाना तैयार है सुहेल भाई, अगर आप कहें तो लगा दूं। नहीं खाना, मुझे कुछ खाना होना। वैसे सुहेल भाई आपको हशाम बेटे और बीनी बेटी को उज़ैफ़ा के वलीमे में नहीं भेजना चाहिए था, क्यों भेजा आपने? अरे मैंने भेजा उन्हें, मुझसे को पूछता है इस घर में क्या हैसियत है मेरी इस घर में, और आप तुम यूं घुन्नी बन के मेरे पीछे पीछे मत रहा करो, हर बात में दखल मत दिया करो, मुलाजमा हो अपनी जगह पे रहो, जाओ जाओ अपने क्वार्टर में। मैं तो आप ही के लिए कह रही थी सुहेल भाई, इससे आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता, बाप और शौहर बनने की इतनी बड़ी सजा। ठीक है जी, मैं अपने क्वार्टर में ही हूँ, आपको जो चीज भी चाहिए वो मुझे बता दीजिए। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा से ज्यादा जहर चाहिए होगा मैं खुद खा लूंगा, जाओ तुम। एक काम करो तुम घर जाओ, मैं मामा की तरफ से होकर आता हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो वलीमे पे जरूर आते। तो फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं तुम घर को ना, घर पे बाबा भी अकेले हो जाएंगे भाई। प्लीज तबीयत ठीक नहीं है मामा, आप मेरे साथ घर चलें। उज़ैफ़ा वैसे भी नई नई जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा। बेटा मुझे उससे कुछ नहीं लेना, उसे तो मैं कुछ देना चाहती हूँ जो उसे सारी उम्र नहीं दे सकी, उसमें से थोड़ा बहुत ही सही। आप क्यों गिल्टी फील करती है मामा, ये गिल्ट आपके लिए नासूर बन जाएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बच्चे जिनकी माएं उनके बचपन में ही फौत हो जाती हैं, क्या उनकी रूहें पर आसमानों पे गिल्टी फील करती होंगी? ये सब कुदरत के काम है मामा, और उज़ैफ़ा को आपने क्या नहीं दिया, आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे किसी की शब्र उसकी मेहनत नहीं है, किसी की दुआओं की ताकत नहीं है, किसी के सजदों की तासीर नहीं है, और अगर है तो उज़ैफ़ा इस बात को जानता है। मैंने देखा है मामा, मैं गवाहों आपके बेचैन रातों का, आराम थे बिस्तर पर बेआराम करवटों का, आपकी बेनींद आंखों में चमकते हुए आंसू का,
जब आधी आधी रात को बेचैन होकर उठ जाती थी और जब किसी तरह सुकून नहीं मिलता था तो वजू करके जानमाज पे खड़ी हो जाती थी। मैं बहुत छोटा था लेकिन तब भी सब जानता था मामा कि आप किसके लिए रो रही हैं, किसके लिए बेचैन और किसके लिए दुआ कर रही हैं। तब सोचता था काश मैं आपसे दूर होता लेकिन आपका बेटा होता। कोई शिकायत है तुम्हें? खुदा की कसम रति पर शिकायत नहीं आपसे, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत है। बस तो बेटा तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो? मुझे तो नहीं पता, हुज़ैफ़ा को पता होगा। क्या तुम्हारी जेब का हाल? हुज़ैफ़ा हनीमून मेरी तरफ से, तुम लोगों के लिए वेडिंग गिफ्ट, सारे एक्सपेंसेस मेरे जिम्मे। अब तय तुम लोगों ने करना है कि कहाँ जाना है। पापा, पापा आई लव यू। नहीं अंकल, मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है। भाई तुम्हारी जिम्मेदारियां कौन बांट रहा है? बच्चे हो तुम हमारे, और तुम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? हमारी तो सब खुशी अब तुम दोनों के दम से है। सैफा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। पापा मैं आपको ना परसों तक बता दूंगी, लाजमी। माय प्लेजर माय डार्लिंग, माय प्लेजर। अच्छा अब हम चलते हैं अंकल, काफी देर हो रही है और वैसे भी मामा भी अकेले हैं। बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी मामा को उनके घर छोड़ दो, तुम लोग की नई नई शादी हुई है, अब देर से आना तो अब रोज का मामूल होगा, बोर हो जाती होंगी घर पे, क्यों सानी? आंटी असल में मामा कुछ अरसे के लिए हमारे साथ रहने का सोच कर आई हैं, मैं उन्हें जाने का तो नहीं कह सकता, आफ्टर ऑल मामा है मेरी, और फिर वो ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं। नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है। तो कैसे उनकी नई नई शादियाँ होती हैं, वो अपनी माँ को घरों से निकाल देते हैं? अरे नहीं बेटा गलत मत समझो, हम समझते हैं कि माँ का रुतबा कितना बड़ा होता है। शगुफ्ता तो खुद इस बात के लिए परेशान है, इसीलिए तो उसने कहा। अच्छा अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी बाबा मैं यहाँ मामा के पास हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पापा मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे अकेली हैं। हुज़ैफ़ा सानिया भाभी के घर गए हैं। पता नहीं इस औरत ने तुम बहन भाइयों को क्या घोल के पिला दिया है कि तुम दोनों अपने सगे बाप को भूल के उस सुतेली के पांव दबा रहे हो। मैं यहाँ घर में भूखा बैठा हूँ, किसी ने मुझे खाने तक का नहीं पूछा और तुम वहां उसकी खिदमतों में लगे हुए हो। क्यों बाबा आपने खाना क्यों नहीं खाया? या, नहीं खाया इसलिए कि मैं अब अकेला हो गया हूँ, लावारिस हो गया हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। तेरा मर गया ना तो कोई मुंह में दो घूंट पानी डालने को नहीं होगा, बाल पोस के जवान कर दिया तुम लोगों को, बस यही ड्यूटी थी हमारी, अब भूल जाओ, छोड़ दो मुझे। बाबा मैं भी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। थोड़ में जाओ, मत हो, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, वहां बैठा है अपनी सगी के पास। हेलो हेलो बिनिश, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ भाई, सो रही थी और आपने उठा दिया। तुमने बाबा से खाने का नहीं पूछा? नहीं, खासा लेट हो गया है भाई, मैं तो समझ रही थी उन्होंने खा लिया होगा। और अजरा आपा कहाँ है? वो तो
मेरे आने से पहले ही चली गई थी। मैंने सोचा पापा को खाना खिला के गई होंगी। तुम्हें कम से कम बाबा से खाने का तो पूछना चाहिए था। अब जल्दी जाओ खाना गर्म करो उन्हें दो। भाई मुझे नींद आ रही है बहुत। मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जल्दी उठो वरना बाबा आके तुम्हें उठा देंगे। खुश रहो। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। कैसा रहा वलीमा? ठीक रहा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया। थक गए होगे, जा आराम कर लो। आप क्या करती रही इतनी देर, बोर तो हुई होंगी। तुम लोग वापसी में सानिया के पेरेंट्स के यहाँ चले गए, बहुत अच्छा किया। बहुत खूबसूरत दिन रात होते हैं ये, खूब एंजॉय करो। आशाम बता रहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बेटा। तो फिर मेडिसिन किस चीज़ की ले रही हैं आप? वो तो यूं ही सप्लीमेंट्स है, तुम वह मत करो। सुबह हम लोग लेट तक सोएंगे तो नाश्ता जल्दी मत बना लीजिएगा। नहीं तुम लोग जब उठोगे तभी बनाऊंगी, ठीक है? आपने खाना खाया? सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में। सो सॉरी मामा, मैम मेरे जहन से ही निकल गया, खाना तो था ही नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं खाया होगा। बेटा फिक्र मत करो, तुम जाओ जाके आराम करो। एक मिनट। बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैं मैनू तो बेकार हो गया हूं मैं, नाकारा हो गया हूं, उठा के डस्टबिन में फेंक दो मुझे। अफसोस सारी जिंदगी मैंने अपने खून को पसीना किया तुम लोगों के लिए कि तुम्हारी किसी जरूरत में कोई कमी ना रह जाए, कोई आरजू ऐसी ना रह जाए जिसकी तकमील ना हो पाए। ये होता है बाप का दिल, और एक तुम जैसी नाखलफ नालायक औलाद होती है जो अपना पेट भर के बिस्तर पे गिरने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचते कि बाप को कोई जरूरत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। लानत है इसी औलाद पे। I'm sorry पापा, मैं समझी अज़रा आपा ने आपको खाना दे दिया होगा। अरे जब अपने खून को एहसास नहीं है तो कोई और क्यों एहसास करेगा? और इन्हें देखो, इस साहबजादे जाके उसके कदमों में बैठे, देवी के चरणों में बैठ के उसकी पूजा कर रहे हैं, जिसने इस उम्र में इसके बाप को लात मार के छोड़ दिया। इस उम्र में, इस कमीनी उम्र में जब शब एक इंसान को तवज्जो की सबसे ज्यादा जरूरत होती। दिनेश बाबा के लिए खाना गर्म करके लाओ। नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना पीना मुझे। जाओ। ठीक। हेलो, क्या हाल है जनाब के? शादी की मसरूफियात कुछ कम हुई या नहीं? क्या बताऊं रिजवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है हमारे साथ। खैरियत, ऐसा क्या हो गया? तुम मिलोगे तो बताऊंगी डिटेल से। अरे बाबा तुम मिलो ना, मैं तो खुद इतना बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। हाँ एक अच्छी खबर सुनाओ। सुनाओ। मैं तो
वैसे ही तरस गई हूँ आजकल अच्छी खबर सुनने के लिए। मैंने तुम्हारी बात कर ली है अम्मी से। नो यू आर किडिंग। ओह माय गॉड, तुम तो कितना डरते हो अपनी अम्मी से। कैसे कर सकते हो तुम अपनी अम्मी से बात? डरता हूँ लेकिन इतना नहीं डरता जितनी आप अपने पापा से डरती हैं। वैसे चश्मे तसव्वुर से ही देखता हूँ उनके लंबे लंबे दांत। जी नहीं, उनकी सिर्फ जबान ही लंबी है। वे बदतमीज, यार तुम्हारे अब्बा हैं वो। लिसन, आई स्पीक टू यू लेटर, ओके? बाय। हेलो, मिलोगी? डरपोक। इतना दिल चाह रहा था तुम्हें देखने को, मैंने तो इरफान को भी नहीं बताया। सो रहे थे, मैं गाड़ी लेकर आ गई। सुनो, ये बड़ी भी अभी तक यही है? तुमने हुज़ैफ़ा से बात नहीं की? क्या करूं मामा, मैंने कल कोशिश की थी हुज़ैफ़ा से बात करने की, पर आप जानती हैं वो एकदम से इतना रूड हो गया था, मैं तो डर ही गई थी। डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, इलाज वही है जो पहले दिन से हो। मर्ज बढ़ने के बाद क्या फायदा, समझी मेरी बात? और हाँ, इन बड़ी बी को ज्यादा सर पर मत चढ़ाना, कोई जरूरत नहीं है खिदमत विदमत करने की। बल्कि हुज़ैफ़ा के लिए चाय बनाओ, खाना बनाओ, ये कुछ कहें तो कह दो कि मुझे आदत नहीं है, मैं तो बचपन से नौकरों की आदमी हूँ, काम करने की आदत नहीं है मुझे। अरे सबिया बहन, ये चाय की जहमत क्यों की आपने? क्यों नहीं, आपकी बेटी का घर है, चाय के बगैर चली जाएंगी क्या? ये लो बेटा, मैं अभी आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। थैंक यू। अच्छा बेटा चलती हूँ, मैं तो ऐसे ही खड़े खड़े मिलने आ गई थी। रात को आओगे ना तुम लोग खाने पे? भाभी क्यों बना लूँ? नहीं मामा, वो एक्चुअली हुज़ैफ़ा का एक फ्रेंड है, आज उसके पास डिनर है तो हम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वापसी में हमारी तरफ जरूर आना, तुम्हें पता है ना तुम्हें देखे बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती। कोशिश करूंगी। ओके बेटा, आ जाओ। ओके बेटा, आप सानी बेटा, ये मेरे कमरे में तुम छोड़ गई थी? जी वो रात में डिनर है ना, तो मैं ये पहन के जाऊंगी, आप प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी दुआएं मत दिया करें जिन्हें सुनकर खुशी के बजाय दुख होने लगे। लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार। अच्छा तो जाओ, जाकर गपशप करो। और मर्द जिसे चाहे, कैसा ही रिश्ता क्यों ना हो, एक लम्हा ऐसा आता है जब बिल्कुल अजनबी बन के सामने खड़ा हो जाता है। अगर आप यहां रह भी गई तो खुश नहीं रह पाएंगी मेरे साथ, बहुत तलखी है मेरे अंदर, उसके अलावा कुछ और दे नहीं पाऊंगा आपको। बुझने लगी है आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें, हो दिल मेरा तोड़ा काहे है, ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें, हो मेरा दर्द न जाने कोई हो, मैं